हेलो माय पीपल, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लव लाइफ में कौन एंटर करने वाला है। आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके नेक्स्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हम आज क्लैरिफाई करेंगे, बिल्कुल डिटेल में होगी कि ये पर्सन कहाँ से होंगे, इनका नेम इनिशियल कैसा होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, और इस पर्सन के साथ आपकी बाउंडिंग कैसे रहेगी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त के लिए वैलिड होगी, उस वक्त की मैसेज होगी, ओके। जेंडरलेस रीडिंग है, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करके इस रीडिंग को देखेंगे, ऑल राइट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे अब हम लोग पाइल सिलेक्शन करते हैं, देखते हैं कि कौन आपके लव लाइफ में आने वाले हैं। सो पाइल वन जो है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, 1 से 16 जिनका भी बर्थडे किसी भी मंथ में पड़ता हो वो पाइल वन को सेलेक्ट करेंगे, ओके। अगर आप इस के थ्रू नहीं जाना चाहते, डेट ऑफ मंथ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, तो फिर आप ये द लवर का कार्ड को चूज़ करेंगे। दिस इज़ फॉर पाइल वन, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूँगी। एंड पाइल टू वही होंगे 17 से 31 के बीच में जिनका भी बर्थडे पड़ता है किसी भी मंथ में, वो होंगे पाइल टू। अपने वीडियोज़ को आप सेलेक्ट करके देखोगे, एंड आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते, देन आपका यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ। आप इंटिट्यूवली सेलेक्ट कर लीजिए और अपने रीडिंग को आप देख लीजिए, ओके। ओके, तो चलिए चलते हैं पाइल वन की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल वन के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कैसे होंगे उनके लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन, और क्या कुछ लेकर आ रहे हैं उनके लव लाइफ में, ओके। सो हेलो पाइल वन, होप यू आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। सो होप कि आप अपने इस कार्ड को द लवर के कार्ड को सेलेक्ट करके आओगे। कितना ब्यूटीफुल, कितना अट्रैक्टिव कार्ड है ये। सो कार्ड्स के थ्रू ही पता चल रहा है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, एंड 1 से 16 के बीच में आपका बर्थडे पड़ता होगा किसी भी मंथ के। तो देखते हैं कि इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये पर्सन खुद कैसे होंगे, ऑलराइट। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन, सब कुछ क्लियर देखेंगे, ठीक है, ऑलराइट। कुछ कार्ड्स मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगी, देन आपको मैं चीज़ें बताते जाऊँगी, ओके। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं ना, ये आपके मैनिफेस्ट किए हुए पर्सन ही है, ओके। तो अगर आपने कोई फ्यूचर स्पाउस या कोई बहुत ब्यूटीफुल से पर्सन को अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है, तो वही पर्सन है ये। ओह माय गॉड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आपने ही इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया है, या तो कहीं फिल्म से देख कर आप इंस्पायर हुए होंगे कि मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, और एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन वही है, ठीक है। इस पर्सन के एप्स वगैरह हो सकते हैं। ओह माय गॉड, यार ऐसा लग रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होने वाले हैं, ओके। यस डेफिनेटली, ये पर्सन हो सकता है मॉडलिंग फील्ड से हो और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे। लुक्स तो खैर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। ये पर्सन जो है काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, विद इन 3 डेज हो सकता है ये पर्सन आपसे मिले। कुछ लोगों के हो सकता है कि ये पर्सन 1 वीक के अंदर आपको मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन से आपकी बातें हो चुकी है, क्या ये सच है, मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वही है जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, जिसको आपने बहुत दिन से सोचा है। हो सकता है आपने मैनिफेस्ट नहीं किया हो, इनडायरेक्टली सोचते रहते हो कि ऐसा होना चाहिए मेरा फ्यूचर स्पाउस, ऐसा होना चाहिए मेरा पार्टनर, और वही आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ओ माय गॉड, कार्ड्स भी बता रहे हैं ड्रीम्स कमिंग ट्रू, मतलब आपके जितने भी ड्रीम्स हैं स्पेशली पार्टनर को लेकर, ठीक है, लव लाइफ को लेकर, वो आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। देखिए, इस पर्सन के साथ अगर आप
रिलेशनशिप में आओगे तो आपका डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइफ शाइन करेगा, आपके बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में निगेटिविटी थी वो सारी निगेटिविटी हटेंगी और आपका लाइफ शाइन करते हुए, ओह माय गॉड कितने पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। डेफिनेटली आपका लाइफ जो है लव लाइफ बहुत ज़्यादा ब्राइट मुझे दिखाई दे रहा है आपका फ्यूचर, स्पेशली लव लाइफ में। एंड ये पर्सन हीलिंग आपके तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा था लव लाइफ ही आपकी अच्छी होगी, पर आपके सारे ड्रीम्स कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, आप कार्ड्स देख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है हीलिंग, इट मीन्स कि आपके हर तरीके से हीलिंग हो रही है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, करियर हो, सब कुछ, सारे ड्रीम्स, सिर्फ एक ड्रीम्स नहीं, आपके बहुत सारे ड्रीम्स जो है पूरे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी मुझे दिखाई पड़ रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आएंगे वो मैं देख लूँगी, ठीक है। ये पर्सन कैसे होंगे लुक वाइज, इनका जोड़ी संग क्या हो सकता है हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी गाइड मी। ओके ओके, कार्ड्स भी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सडन चेंजेस आपके लाइफ में होगा जब ये पर्सन इंटर करेंगे, ठीक है। कुछ आपको ब्यूटीफुल साइंस एंड एंजल नंबर दिखाई दे सकते हैं, 666777 इस तरह के नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे, 11113339999, ठीक है। इस तरह के नंबर मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इनलाइटमेंट आएगी आपके लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, अवेकनिंग होगी। जैसे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, तो इस पर्सन के वजह से आपके अंदर मेच्योरिटी भी आएगी, और जो भी चीज़ें नहीं थी आपके अंदर, सबसे ज़्यादा यही दिखाई दे रही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। ये पर्सन कैसे होंगे, तो टॉरस इनका जोडियक साइन हो सकता है, अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप इनको डांट भी दोगे ना, इतने सॉफ्ट हार्टेड ये पर्सन होंगे, इतने डाउन टू अर्थ होंगे, मतलब आप इस पर्सन को कंट्रोल करके रखोगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपकी बातें मानेंगे, ठीक है, बहुत खुश रहेंगे। ये पर्सन, आप जितने पोसेसिव रहोगे उनको इतनी खुशी होगी कि मुझे कोई इतना प्यार करने वाला मिला है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, आप खुद भी इस पर्सन के लाइफ में अबंडेंस लेकर जा रहे हो। ओके, ये पर्सन नेचर लविंग बहुत ज़्यादा होंगे। ये पर्सन कौन से प्लेस से होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस से होंगे, नेचुरल प्लेस पे रहते होंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो भी इनका जोड़ी एक साइन हो सकता है, मतलब कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लविंग, इंटेंस प्यार होगा इस पर्सन का आपके लिए। ये पर्सन थोड़े सीक्रेटिव हो सकते हैं, बातों को छिपाने वाले हो सकते हैं, लेकिन वजह यही होगी छिपाने की, ताकि आप लोगों के रिश्ते में कोई खटास या फिर कोई दरार ना आए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग इनके चेहरे पे होगा, ठीक है। एंड पोसेसिव होंगे ये पर्सन, कंट्रोलिंग नेचर के, और पोसेसिव कहने का मतलब है कि ये पर्सन खुद पोसेसिव है, मतलब कि ये नहीं चाहेंगे कि आप किसी और से बातें करो, मतलब ये चाहेंगे कि जब मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, तो जब मैं आ चुकी हूँ तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है, तुम्हें जो भी डिस्कस करना है, जो भी शेयर करना है वो मुझसे करो, मैं हूँ ना, इस तरह की एनर्जी होगी इस पर्सन की। ओके, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको किसी वर्क प्लेस पे भी मिल सकते हैं, ये पर्सन आपसे कुछ साल बड़े होंगे, 2-3 साल बड़े हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न अगेन, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ये पर्सन आपको किसी सेमिनार या किसी बिजनेस के थ्रू भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह लाकर आपको देंगे। एंड ये पर्सन जब आपके साथ होंगे तो बहुत सीरियस रहेंगे, मतलब हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर निकल रहे हो, ठीक है, कहीं डेटिंग पे, और कोई अगर आपसे आके बात ही करने लगा और आप उसमें इंगेज हो गए, तो फिर आप इस पर्सन का चेहरा देखना, एक्सप्रेशन देखना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकते हैं अगर इनके रहते हुए आप किसी और से बातें कर रहे हो तो, ठीक है। ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, एंड ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। देखिए ये पर्सन किसी के लिए पॉजिटिव हो या ना हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एंड बच्चों की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करते हैं, मतलब हो सकता है ये पर्सन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर डॉक्टर होंगे तो हीलिंग पावर दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ इनका काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा मन लगता है, और मुझे ऐसा लग रहा है
कि ये पर्सन जो है आपके साथ बहुत सारे सपने देखने लगेंगे, लाइक बच्चे, शादी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एम्पैथ होंगे, मतलब जब आप लोग रिलेशनशिप में होंगे तो ये पर्सन आपको समझेंगे। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपके कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, इनसे बात नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो ये ना वो चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग चिड़चिड़ाने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पर्सन एक रेमिडीज़, एक हीलिंग की तरह काम कर रहे हैं आपके लाइफ में। आप बहुत खुश रहोगे, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के साथ। ओके, ये पर्सन एक टीचर, प्रोफेसर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन लुक्स वाइज तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक गॉडेस लुक, एक एंजेलिक लुक इस पर्सन का दिखाई मुझे पड़ रहा है। ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे ही नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इनका प्यार जो है आपके लिए पवित्र होगा। ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्योर, सेक्रेट दिखाई दे रहा है इनका रिलेशन आपके साथ, और ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्योर दिखाई दे रहे हैं। तो इनका जो कनेक्शन आपके साथ बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। ठीक है, मतलब कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच का, बाउंडिंग है, वो एक सोलमेट का बाउंडिंग है। ठीक है, इस पर्सन के साथ जब भी आप रहोगे, 2 मिनट भी, अगर 1 मिनट भी टाइम स्पेंड करते हो, 5 मिनट भी, तो वो 5 साल, 1 साल के बराबर होगा। इतनी ज़्यादा हीलिंग आपको इस पर्सन के साथ मिलेगी। ठीक है, कुछ लोगों के लिए लियो हो सकता है इनका जोडियक साइन, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे आपको लेकर, प्यार बहुत होगा। ठीक है, और ऐसा प्यार हो सकता है आपने कभी नहीं देखा हो। हो सकता है ये जो प्यार है, कनेक्शन है, वो आपके आपको जो है ना किसी के साथ कभी फील हुआ ही नहीं होगा। तो ये जो है ना आपके लिए बने हैं, और ये सारी चीज़ें इनसे ही फील होगी। ये सारी चीज़ें फिक्स होकर आई हैं ऊपर से। फाइटिंग स्पिरिट इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, फिजिकल एनर्जी इस पर्सन में काफ़ी, इनका इम्यूनिटी, अगर वह अगर बात की जाए इम्यूनिटी की, बॉडी की, तो काफ़ी ज़्यादा फिट हो गए ये पर्सन। ठीक है, और बॉडी वाइज बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जिम वगैरह जाने वाले पर्सन होंगे, स्मार्ट होंगे। और एक चीज़ है, जब आप दोनों के बीच में कभी झगड़ा होता है तो झगड़ा बहुत करेंगे, लेकिन मनाने भी ये पर्सन ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है। देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन जो है कभी भी किसी के साथ गलत होते हुए देख नहीं पाएंगे। चाहे वो एक लड़की हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, ये पर्सन नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी दिखाई दे रहे हैं लोगों के लिए। इनको ड्राइविंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग लॉन्ग, जैसे कि होता है ना लॉन्ग ट्रिप पे जाना, ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा करोगे। ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत सारी चलेगी। ये पर्सन अपने लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, जो फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपसे मिलने आएंगे। कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, ठीक है, इंस्टा पे, फेसबुक के थ्रू मिलोगे। बहुत सारे लोग जो है पहले से भी हो सकता है मिल चुके हैं, चांसेस है कि ये पास्ट के भी पर्सन हो सकते हैं, बस आपको ये सारी क्वालिटीज़ मैच करनी है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो ये तो बिल्कुल वेलकम है, ये आपके लिए है, ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आप पे इम्प्रेशन जमाने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ डिफरेंट करते रहा करेंगे। मतलब हो सकता है अपने बाल को कलर करवाएंगे, ठीक है, और ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस करेंगे, आपको जैसा कलर पसंद आएगा उस तरह के कलर पहनेंगे। मतलब ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं। ठीक है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन आपके कंट्रोल में रहने वाले। ऐसा तो यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट है बहुत ज़्यादा, ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार में इतने लट्टू रहेंगे ना, ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ठीक है, सो और देखते हैं, दिस वन एक लास्ट कार्ड और लेंगे। ये पर्सन एनिमेशन के फील्ड से हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड ये पर्सन का मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो, किसी बाहर कंट्री के भी ये पर्सन हो सकते हैं, मुझे ऐसे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रैवलिंग के वक्त आप लोग मिलोगे, ये भी चांसेस है। और हो सकता है कि फैमिली रिलेटिव्स के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, किसी ओकेजन पे। तो देखिए, ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फैमिली वाले पर्सन है, मतलब फैमिली का केयर करना, उनकी इम्पोर्टेंस समझना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन में बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, ये पर्सन अपने मदर से भी बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, और इस पर्सन में खुद एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटी मुझे दिखाई पड़ रही है। मतलब ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, ओके, और बच्चों के साथ इनका कॉन्टैक्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, रिश्ता बहुत प्यारा दिखाई दे रहा है। मतलब ये जब अपने घर से निकलते होंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है पहले से ही खड़े रहते होंगे, ठीक है, और गोद में आ जाते होंगे, गले से लिपट जाते होंगे, तो इतना प्यार दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चे जो हैं अगर आपके तरफ प्योर है, ठीक है, आप पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपसे प्यार दिखा रहे हैं, मतलब कि सच में आप बहुत अच्छे हो, और क्योंकि उनका दिल जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, और वो जो होते हैं काफ़ी सही जज करते हैं सामने वाले इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है सच में बहुत अच्छे होंगे, इमोशनल होंगे, थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, थोड़ा सा डिसीजन लेने में इस पर्सन को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इनका थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है। इनका बहुत सारा ड्रीम्स है, बहुत सारे सपने हैं जो, और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है ये पर्सन, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। ऑलराइट, सो कुछ मैसेजेस निकालते हैं टी लीफ के थ्रू, देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। ओके, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे, एक वाइस पर्सन होंगे, अच्छे पर्सन होंगे, जो कि आपको कदम कदम पे बहुत अच्छे अच्छे एडवाइसेस दिया करेंगे। आप अपने लाइफ में कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं लोगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे, एक टीचर की तरह भी आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, एक फ्रेंड की तरह भी रहेंगे। तो बहुत अच्छा कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। ओके, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो मनी विल बी कमिंग टू यू। मनी जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, काफ़ी अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, देन यहाँ पे है सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। ओ माई गॉड, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स थे उससे आप ओवरकम करने वाले हो और सक्सेसफुली, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाले हो आप अपने लाइफ में। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। ओके, मतलब आपके लाइफ का जितना भी डिफिकल्ट पार्ट था वो ख़त्म होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, और देखते हैं, चेंज फॉर द बेटर। यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा और कुछ बेटर के लिए ही, कुछ अच्छे के लिए ही आपके लाइफ में चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं, ग्रेट, ओके, पर्सनल सॉरो यू आर हाईली। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कोई पास्ट का पर्सन भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में आएंगे। ठीक है, 20% चांसेस है। ऑलराइट, और एक चीज़ है कि आपके जो भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम था उसमें हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके, देन यहाँ है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आप बिल्कुल सही पाथ पे होंगे और बिल्कुल आपने सही पर्सन चूज़ किया होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे, जिसके साथ, इस पर्सन के साथ आप जब रिलेशनशिप में आ जाओगे ना, तो उस वक्त के लिए मैसेज है कि आप जो है बिल्कुल परफेक्ट पर्सन के साथ होंगे और बिल्कुल सही पाथ पे होंगे। ठीक है, टू फेस फ्रेंड। देखिए यहाँ पे एक चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, या फिर हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसा पर्सन आएगा आपके लाइफ में जो कि आपके इस रिलेशन को ख़राब करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, टू फेस फ्रेंड होगा जो कि दिखाएगा कि वो बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई आपके लाइफ में अगर है तो उससे आपको बच के रहना है। ठीक है, अभी हो सकता है कि ये पर्सन है जो कि आपका वैसे भी अच्छा नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहोगे तो आपका ख़राब करने की रिलेशन कोशिश कर सकता है, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है जर्नी करके आएंगे, या फिर जर्नी के दौरान भी आप लोग ये इस पर्सन से मिल सकते हो। हैप्पीनेस एंड वेल बींग, ये पर्सन आपके लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, सो और मैसेजेस ले लेते हैं। देखिए ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और ये पर्सन तो बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहने वाली, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि जीत
आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे ईगल का साइन है, इट मीन्स कि आप जो है काफ़ी एक्टिव होने वाले हो अपने काम के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति, और बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे। यहाँ पे जितने भी ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लव का कार्ड आया है एंड मैरिज का भी कार्ड आया आपके लिए, मतलब इसी पर्सन से आपकी शादी होने के चांसेस है जो आपसे प्यार करेगा, ठीक है। लव आपके लाइफ में, लव आने वाले हैं, प्यार आने वाला है, ट्रू लव, एंड आपकी शादी होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके 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 सो ओके, ये सारे कार्ड्स जो हैं मैं ले लेती हूँ। लाइक लिली का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल लव। ओ माय गॉड, ये जो आपके प्यार है ना, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, वो आपके स्पिरिचुअल लव है, ठीक है। इस पर्सन से आप अपनी हर एक चीज़ें जो है शेयर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ नए पाथ, कोई नया डोर ओपन होने वाला है, टेंपल पाथ कह सकते हैं, ठीक है, जो कि बता रहा है कि सिर्फ पैसे ही पैसे होंगे आपके लाइफ में। तो ये पर्सन आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं ये लक्ष्मी है आपके लिए, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू एंड इमोशनली सिक्योर। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपका रिश्ता अपने फैमिली से भी ख़राब था, अपने फैमिली पे आप चिड़चिड़े रहते थे, अपने काम के वजह से आपके लाइफ में कोई नहीं था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की वजह से आपका रिश्ता सभी के साथ बहुत प्यारा, बहुत स्वीट, लविंग सा रिश्ता आपका हो जाएगा सभी के साथ। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, सो कुछ एंजल्स और गॉड के थ्रू गाइडेंस ले लेते हैं। ओके, ओपन कम्युनिकेशन, काफ़ी जल्दी इस पर्सन से आपकी बातें होने वाली है। लुक्स आप देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का इनका लुक्स हो सकता है। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार से बातें करेंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है पे गुस्सा बहुत कम होंगे, ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। आप दोनों का स्पिरिचुअल लव है ये दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जब आपसे बात करना शुरू करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक सा फील होगा आपको, ठीक है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी सा फील होगा, और कुछ बहुत मिराक्यूलस चेंज आपके लाइफ में होने वाले हैं, बस होने वाला है ही, ठीक है, इज़ अबाउट टू चेंज। ओके, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, देखिए फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर, आप जो भी अपने लाइफ में चाहते हो बस उस पर फोकस करते जाइए, आपके लाइफ में वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे कि मैंने आपको ये रीडिंग बताया, अब बस आप इस एनर्जी को क्लेम करते रहना, सोचते रहना, ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है ना चैनल पे न्यू, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कनेक्ट रहो हमेशा। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप जो भी न्यू वीडियोस आएंगे तो आपको सबसे पहले वो मिल जाएंगे, आप देखोगे उसको, ठीक है। एंड सबसे अच्छा कार्ड यहाँ पे कुछ गॉड आपको बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि आपके लाइफ में डिवाइन हीलिंग हो रही है। ये पर्सन जो है ना, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक एंजल की तरह है आपके लिए, और एंजल की तरफ से, भगवान की तरफ से भेजे गए हैं, मतलब इसलिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी डिवाइन हीलिंग हो रही है, ठीक है। ये पर्सन एक लाइट, एक रोशनी की तरह आपकी लाइफ में आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है। और सिर्फ ये पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप भी जो है इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आएंगे। तो ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो आपका जो सोलमेट कनेक्शन, जो आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे, वो पूरा होने वाला है। जेलेसी, जेलेसी तो मैंने आपको पहले बताया है, पर्सन थोड़े पॉसेसिव होंगे तो जेलेसी फील कर सकते हैं किसी और से, ठीक है। एंड सरप्राइजेस ये पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके लाइफ में कोई बना ही नहीं है, तो अब आपको रियलाइज़ होने वाला है, फील होने वाला है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज होगा और कोई बहुत प्यारे से पर्सन सरप्राइजेस लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात, ये पर्सन आपको सरप्राइजेस देना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करेंगे। एंड यहाँ पे है मेजर लाइफ चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, आप एक नए न्यू लाइफ स्टाइल अपनाओगे। ऑफकोर्स मैंने बताया कि ये पर्सन जो है आपको हमेशा गाइड करेंगे, नई नई चीज़ें सिखाएंगे, तो आपके लाइफ स्टाइल में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे ही। कुछ लोगों का लोकेशन में भी चेंज हो रहा है, एंड ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, ग्रेट जॉय आपके लाइफ में आ रहे हैं। जितने भी ट्रबल अभी हैं आपके लाइफ में, वो सारे जल्दी जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं। एक लास्ट लेंगे, वो है
देखिए आपके प्यार से आपकी काफ़ी जल्दी बातें होने वाली हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, काफ़ी प्यार बॉन्डिंग स्ट्रांग था, तो फिर से रियूनियन हो जाएगा। एंड चेंजेस का कार्ड फिर से है, मतलब कि आपके रेसिडेंस जहां आप रह रहे हो अब वहां नहीं रहोगे, कहीं और रह सकते हो, कहीं और शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके करियर एंड जॉब में चेंजेस आ रहा है, प्रमोशन हो सकता है या फिर हायर लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह की चेंजेस होंगे जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ओके ऑल राइट, तो देखते हैं ये पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। सी हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, बी हो सकता है, ए हो सकता है, देन यहाँ पे है वाई हो सकता है आपके पर्सन का नेम इनिशियल, एच, एफ, के, जेड, देन यहाँ पे है आर, एस, ई, जी, एम, एन, देन यहाँ पे है एल। ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है। एक लास्ट लेंगे वो है डी एंड टी। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। ओके ये पर्सन जो है कहाँ के होंगे ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये पर्सन ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, ओके, जर्मनी के हो सकते हैं, क्यूबा के हो सकते हैं, साइप्रस, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन फ्रांस के होंगे, मध्य प्रदेश, रशिया, तमिलनाडु, श्रीलंका, मलेशिया, मिजोरम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सेम स्टेट के होंगे आपके पर्सन, ठीक है, हरियाणा, गुजरात, आसाम, स्विट्ज़रलैंड, जॉर्डन, अर्जेंटीना, नागालैंड, आयरलैंड, जापान, उत्तर प्रदेश, सेम स्टेट, स्पेन, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ग्रीस, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओके, इटली, हरियाणा, ब्राज़ील, कुछ लास्ट लेंगे वो है तमिलनाडु, सेम सिटी, केरला, ओके। सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। मैंने नेम इनिशियल भी आपको देखकर बता दिया है, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। अभी तेरा होने लगा हूँ आतिफ असलम का सॉन्ग है, देन परफेक्ट ईडी शरण का सॉन्ग है, देन यहाँ पे है फोटोग्राफ अगेन ईडी शरण, किस व्हाई योर लिप्स आर सो रेड नाइट विश का सॉन्ग है, देन यहाँ पे है वी डोंट टॉक एनी मोर चार्ली पुथ का सॉन्ग है। बहुत सारे के मुझे ऐसे दिखाई दे रहे कि पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, कल हो ना हो सोनू निगम, देन यहाँ पे है आपके लिए बाखुदा तुम ही हो आतिफ असलम, तेरे बिन जेमिस सरगिल एंड मेरा जहां गजेंद्र वर्मा। ओके सो ये सारे सॉन्ग्स हैं आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। और देखते हैं ये पर्सन का नेचर और लुक्स कैसा होगा। बिग आइज हो सकता है, मीडियम हाइट के ये पर्सन हो सकते हैं, जेंटल होंगे, क्रूक्ड लिप्स, बो शेप्ड लिप्स, स्मॉल आइज, एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, देन है ब्लॉन्ड हेयर, ये पर्सन का पॉइंटेड नोज हो सकता है, देन ये पर्सन गोरे होंगे, थिन लिप्स, लवली और राइट, क्लेवर होंगे, ओके, ग्लोरियस, इनकम्पेयरेबल, पेल बिच, ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, शॉर्ट हेयर हो सकता है, पिंपली, चेहरे पे थोड़ा बहुत पिंपल्स हो सकता है इस पर्सन का, कुछ लोगों के लिए रेड हेयर, ये पर्सन स्टाइलिश होंगे, रोमांटिक होंगे, ठीक है, डीप सेट आइज हो सकता है, देन यहाँ पे है एंजल, अगेन एंजल लुक, आउट स्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके, काइंड, फिट, ये तो होना ही था, एंड नेचर लवर, टैन हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर,
स्ट्रेट नोज, स्मॉल नोज, एक लास्ट लेंगे वो है शॉर्ट हेयर. ओके, सो ये सारे जो है इनके लुक्स के लिए थे और कुछ इसमें इनका नेचर भी पता चला हमें. ठीक है, सो इस टाइम ये देख लेते हैं कि ये पर्सन से आप कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कौन से प्लेस पे. तो ऐसा दिखाई दे रहा है ऑर्फनेज, ठीक है, रेलवे स्टेशन, स्कूल, फैमिली, मॉल, पार्क. फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिलोगे वो देख रहे हैं हम, अदर कंट्री, गैलरी, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स होम, जिम, मोबाइल स्टोर, कैफे कॉफी डे, क्लासेस में, टेंपल में, ओके, एयरपोर्ट, देन यहाँ पे है कैफे, म्यूजियम, साइबर कैफे, एक लास्ट देखेंगे वो है नियर होम. तो घर के आसपास भी जो है आप इस पर्सन से मिल सकते हो. ठीक है, सो ये सारे मैसेजेस जो है आपके लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं आपके लव लाइफ में उनके लिए है. अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है. ठीक है, आपकी रीडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है. चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से. ओके, सो चलते हैं पाइल टू की रीडिंग पे, देखते हैं पाइल टू के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं. सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. जो कुछ भी आप चाहते हो वो आप कमेंट में बता सकते हो. ओके, सो बाय. हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे. टू ऑफ कप्स या फिर आपका बर्थडे 17 से 31 के बीच में पड़ता होगा. तो देखते हैं कैसे होंगे आपके लाइफ में एंटर करने वाले, आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले पर्सन. ओके, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स. अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. गिविंग एंड रिसीविंग बहुत पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए. ठीक है, ये पर्सन जो है आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस लेकर आ रहे हैं. ये पर्सन जो है कुछ लोगों के लिए पास्ट के भी हो सकते हैं. ठीक है, वाओ, मैनिफेस्ट का कार्ड है. देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट किया है खुद ही. ठीक है, और दैट्स वाई ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं. आपने कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके या कोई मूवी देख के या फिर कुछ भी देख कर आपने सोचा, ठीक है, मैनिफेस्ट किया, इमेज बनाया उस पर्सन का, विजुलाइज़ किया, और यही पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं. ठीक है, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया, आपने सोचा होगा मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो कि काफ़ी लंबा हो, स्मार्ट हो. ठीक है, तो जैसा भी आपने सोचा होगा वैसे ही पर्सन आपको मिलेंगे. अगर किसी फॉरेनर को सोचा है तो कोई फॉरेनर भी मिल सकते हैं. तो ये पर्सन कहाँ के होंगे वो भी मैं आपको देख के ज़रूर बताऊँगी. ठीक है, टीच, यहाँ पे ये पर्सन ना एक टीचर हो सकते हैं, इनका प्रोफेशन मुझे टीचर दिखाई दे रहा है. और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे. तो एज अ टीचर भी ये पर्सन आपके लाइफ में हो सकते हैं, क्योंकि हम एक फ्रेंड जो हमारे होते हैं उनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो कंपटीशन करके हो या फिर कुछ भी हो, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. पर यहाँ आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन जो है प्यार का होगा. ठीक है, मतलब इस पर्सन से आप रिसीव भी बहुत सारी चीज़ें करोगे और दोगे भी. गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है. ठीक है, तो कहने का यह मतलब है कि इनके पास जितने नॉलेजेस है वो आपसे शेयर करेंगे और आपके पास जो भी नॉलेज है वो आप इस पर्सन को शेयर करोगे. ठीक है, तो मतलब आप लोग ना बिल्कुल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि आप में जो कमी है वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, और इनमें जो कमी है वो सारी चीज़ें पूरी होंगी जब ये पर्सन की लाइफ में आप जाओगे. ठीक है, तो ये पर्सन आपके सोलमेट है. ऑलराइट, और ये पर्सन ने भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, इसलिए ये पर्सन से आप जो है काफ़ी जल्दी मिलने वाले हो. ओके, देन यहाँ पे नर्चर का कार्ड आया है. ये पर्सन आपका ख्याल बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पेरेंट्स अगर नहीं होंगे तो उतना केयर नहीं मिला, मुझे ऐसा लग रहा है. तो इनका पास्ट जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे निगेटिव वाइब्स आ रही है. ठीक है, पास्ट से अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अकेले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किए हैं. ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ऑर्फनेज के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ये चांसेस है यहाँ पे. और इस पर्सन या फिर इनका कोई खुद का ऑर्फनेज वगैरह हो सकता है, और वही के बच्चे जो है इनके एक सहारे मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो ये एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एक बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो सकती हैं, जिनका अपना ऑर्फनेज वगैरह होगा जो कि
और इनके कोई बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके फैमिली मेंबर ऑर्फनेज के बच्चे ही होंगे। ये इनको पेट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। ये नेचर लवर भी काफ़ी ज़्यादा ये दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, ठीक है। ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हो। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ में अकेला फील करते हैं और ये किसी पार्टनर को खोज रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन मैनिफेस्ट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, ठीक है। धार्मिक बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, धर्म से तो होंगे ही किसी ना किसी धर्म से, लेकिन ये पर्सन ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहे अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ले, ये पर्सन मुझे अकेले से दिखाई दे रहे हैं, अकेला फील करते हैं और ये चाहते हैं कि कोई मेरे लाइफ में आए, और दैट्स वाई ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आ जाएंगे तो आप देखोगे कि ये पर्सन आपका कितना ख्याल रखने वाले हैं। जिस तरह से ये बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, उस तरह से ये आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रखेंगे, आपकी केयर करेंगे और आपको वो चीज़ फील कराएंगे कि सच में दुनिया में सच्चा प्यार भी होता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऑलराइट, देन यहाँ पे है ट्रस्ट का कार्ड। ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आप पे आँख बंद करके ब्लाइंडली जो है ट्रस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहा है। सो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी भी होंगे, ठीक है। तो आप इस पर्सन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आप दोनों का कनेक्शन जो है बिल्कुल ट्रस्ट पे टिका होगा, चाहे किसी का भी कनेक्शन हो, रिलेशनशिप हो, वो एक ट्रस्ट पे टिका हुआ होता है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ठीक है, प्यार होगा, कनेक्शन होगा, केयरिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। केयर बहुत करते होंगे आपके पर्सन करेंगे, ओके। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, दैट्स ग्रेट। आपके जितने भी ड्रीम्स हैं इस पर्सन के साथ कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। और जस्ट मैनिफेस्ट के नीचे ये कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो भी सपना देखा है वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। यूनिवर्स आपके साथ है और आपका सारा सपना पूरा करेगा। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आप शाइन करोगे, ठीक है। और ऐसा है ना कि टीच मतलब इस पर्सन का जो नॉलेज है, जब आप गेन करोगे, सीखोगे इनसे कुछ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको सपोर्ट करने वाला है, स्पेशली पढ़ाई में, करियर में, या फिर आप कुछ चीज़ में बिजनेस करना चाहते हो, फाइनेंशली हर तरीके से ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इनके नॉलेज के वजह से, इनके हेल्प के वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए मिरेकल्स की तरह आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, ओके। सो और देखते हैं, ओ माय गॉड, लव का कार्ड है। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। टू ऑफ कप्स का भी कार्ड था, लव का भी कार्ड है, आप देख सकते हो। ये क्लियर होता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट का कनेक्शन है। ये पर्सन जो है बहुत सीरियस होंगे आपको लेकर, और ये पर्सन आपसे क्या करना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, आपके साथ घर बसाना चाहेंगे, बच्चे देख रहे हैं, इस तरह की ड्रीम्स है इस पर्सन की, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ड्रीम्स होगी आगे चल के। एंड ये जो पर्सन है ना, एक प्रिंसेस की तरह आपको, एक क्वीन की तरह, किंग की तरह, प्रिंस की तरह ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है बहुत सिंपल रहते हो, लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो ये पर्सन जीना सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, ये पर्सन के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इनका पहनावा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा पहनावे में, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत अपने आप को सच संवर के रहोगे, ठीक है। और इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगा कि आप जो है थोड़े सच संवर के रहो, और इनको बहुत खुशी होगी। तो ये ओवरऑल ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आपको ला के गिफ्ट्स वगैरह दिया करेंगे कि आप एक प्रिंसेस की तरह दिखते रहा करो, ठीक है। ये पर्सन खुद ही खुद बहुत सिंपल रहेंगे, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। लेकिन आपके लाइफ में जब आएंगे ना, तो खुद को भी थोड़ा बहुत बदलना शुरू करेंगे, ठीक है। आपके लिए जो है ये पर्सन लाइक जैसे कबीर सिंह जैसा रहते थे, तो शेविंग वगैरह करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, न्यू ड्रेस पहनेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन जब आपके साथ होंगे तो ये कभी भी चाहकर भी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये एनर्जी है, क्योंकि इनको हमेशा डर रहेगा कि अगर आज मैं झूठ बोलता हूँ तो कल होके पता चलेगा आपको, तो आप जो है इनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर ट्रस्ट इशू क्रिएट होने लगेगा, ट्रस्ट टूट जाएगा, और फिर से बातें तो हो जाएंगी लेकिन वहाँ पे जो है गांठ पड़ जाएगी उस धागे में, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ओके। ऑलराइट, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है,
ठीक है, 4 दिन, 6 दिन या 4 वीक, 1 वीक के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लाइफ में ऑलरेडी है, ठीक है, और इनसे आपकी बातें होती है, तो है या नहीं है बस आपको मैच करना है। अगर है तो आप मैच कीजिए, तो इट मीन्स कि वही होंगे आपके पर्सन, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। देखिए पर्सन जो है ना आपके साथ बहुत खुश रहेंगे, जो एंड स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, मतलब इस पर्सन की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इनका इंटेंशन जो है काफ़ी प्योर होगा, गुड होगा, और एक्सेलेंट इंटेंशन है। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे दिखाई दे रहे हैं, सीरियस रहेंगे, ठीक है। जैसे कि सीरियस कहने का मतलब है आपके साथ अपना लाइफ, पूरा लाइफ बिताना चाहेंगे। आप दोनों के बीच का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बॉन्डिंग स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन सोचेंगे अब मुझे कहीं और नहीं जाना, बस यहीं बस जाना है, इनके साथ रहना है, ठीक है। रिफ्यूजिंग टू सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लाइफ में इंटर कर चुके हैं कुछ लोग, अभी आप जो है इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन कुछ दिन में काफ़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये वही पर्सन थे। ओके, टेक द लीड, ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कार्ड्स लेते हैं। फ्लो, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपका गुड लक आपके साथ हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया ही कि आपको जो है कोई, वाह दैट्स ग्रेट, यहाँ पे आपको, आपके लिए 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, गुड लक के साथ साथ आपके लाइफ में, अगर आप किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो तो उस वक्त आपका जॉब लग सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है 4 महीने के अंदर आपकी जॉब भी लग सकती है, और ये पर्सन जो है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी शादी का दे सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में पहले इंटर करेंगे, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी, मतलब इनके आने के वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आएंगे, ठीक है। रेस्ट एंड रिकन्सिडर, ओके, मुझे आज यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपका जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा, स्टेबल तो होगा, जॉय होगा, खुशी होगी, इंजॉय करोगे हर एक पल को, ओकेजन को, और उसके साथ साथ अपने लाइफ के, अपने लाइक अपने करियर को भी इंजॉय करोगे, क्योंकि उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी, वृद्धि होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो आपका लाइफ जो है, जैसे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स अभी चल रहे हैं, उथल पुथल चल रहा है, तो वो सब कुछ नॉर्मल चलने लगेगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। आपके पर्सन का जोड़ी साइन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू हम क्लैरिफाई करते हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के होंगे, शाई पर्सन हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा हेजिटेट करते होंगे, डिसीजन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा इस पर्सन को। वेल, ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनती होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। देखिए ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा अकेले से दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन के लाइफ में अभी कोई नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि ये पर्सन कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हो सकता है होगा कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे, बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ हो सकता है, तो थोड़ा बहुत इनको हेजिटेशन होगा, डर लगेगा, शाई पर्सन है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड ये बात है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है इस पर्सन में, मतलब कि ये पर्सन मेल हो या फीमेल, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग करिएगा, ये पर्सन में काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, मतलब ये पर्सन बहुत इमोशनल होंगे, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है, पर्सन कितने ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा केयरिंग, सेंसिटिव होंगे, लविंग होंगे ना ये पर्सन, मतलब आपको फील होगा ना कि इसके जैसा बेहतर पर्सन शायद आपको कभी नहीं मिलता, ठीक है, और आप कभी इस पर्सन को अपने लाइफ से जाने नहीं दोगे, ठीक है। इनका लगाव मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा है, और इनका सपना भी है कि मेरे भी अपने खुद के बच्चे हों, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ऑलराइट, इस पर्सन को खाली टाइम में बुक्स वगैरह पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ऑलराइट, और मुझे ऐसा ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको अपने नेबर्स के साथ बातें करना, टाइम स्पेंड करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये पर्सन जो है अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर भी करते हैं,
ठीक है, और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा इनको ध्यान से सुनते भी हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। पाइसिस की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कभी कभी कुछ रोमांटिक्स किताबें भी पढ़ते हैं, नोवेल वगैरह, ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के तो हो सकते हैं, उस तरह के बुक्स भी पढ़ते होंगे, और यूनिवर्स के बारे में जानना भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लाइक प्लैनेट्स वगैरह के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सारे चैनल्स वगैरह भी फॉलो करते हैं, नासा, इसरो, ये सारे जो है साइट्स है, चैनल है, वो सारी चीज़ों को ये पर्सन फॉलो भी करते हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस के फील्ड में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और नेबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, क्योंकि इनके नेबर जो है काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है, और कुछ लोगों के नेबर्स तो बहुत ख़तरनाक भी होते हैं। तो पाइसिस एनर्जी यहाँ पे है, इससे मैं बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जो है जिसके भी लाइफ में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी एंड प्यार फैलाते हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक बहुत अच्छे कपल बनने को तैयार है, मतलब जब आपके साथ आएंगे तो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है, प्रपोज करेंगे पहले रिलेशनशिप में आने के लिए, पहले तो फ्रेंडशिप होगी 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, या 4 मंथ तक आपकी फ्रेंडशिप ही चलेगी, फिर प्रपोज़ करेंगे ये पर्सन, या आप कर सकते हो तो आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होगा, ये पर्सन एंडलेसली अनकंडीशनली प्यार करेंगे आपसे, ठीक है, और ये पर्सन जो है हमेशा एक एनर्जी इस पर्सन में रहती है, वो है माफ़ करने की, तो लोगों को माफ़ भी करते हैं, अगर गलती किसी से होती है तो उसको माफ़ भी करते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पर्सन बहुत प्यारे से, स्वीट से इंसान है, डाउन टू अर्थ है, और किसी को भी सजा देना इस तरह की एनर्जी इस पर्सन में नहीं है, ठीक है, तो ये पर्सन जो है बिल्कुल आपके अंडर में रहेंगे, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ओके, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होंगे। ऑलराइट, जेमिनाई इनका जोडियक साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, थोड़ी सी इनकी एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन मिसचीवियस हो, ठीक है, उथल पुथल हो सकता है, दिमाग में चलता हो, थोड़ा स्टेबल कम दिखाई दे रहा है दिमाग कुछ लोगों के लिए, एंड बहुत अच्छी बात है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको रहता होगा, क्यूरियोसिटी होती होगी कि मुझे कुछ ना कुछ जानना है, जैसे यहाँ पे भी लग रहा था कि हमेशा कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते रहते होंगे, तो यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि पर्सन कुछ ना कुछ हमेशा जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते होंगे, ठीक है, और ऐसा नहीं है अगल बगल के लोगों के बारे में, कुछ बड़ा लाइक यूनिवर्स के बारे में, कुछ पढ़ाई के बारे में, ठीक है, और ये पर्सन का लुक्स बहुत अच्छा होगा, यंग होंगे ये पर्सन, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, सक्सेसफुल होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी इनको वैल्यू दिया जाता होगा, इनके बहुत सारे वेल विशर होंगे, इनका नेचर जो है इतना अच्छा है ना कि इनके बहुत सारे वेल विशर मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और इतने ब्यूटीफुल हैं कि लोग चाहते हैं कि मेरे लाइफ में ऐसे पर्सन तो होने चाहिए, तो बहुत सारे लोग जो है इनके आगे पीछे भी घूमते हैं कि कहीं कैसे भी ये मेरी लाइफ में आ जाए, या मुझसे शादी कर ले, या मेरे साथ हो जाए, ठीक है। लिब्रा की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे ऐसा बता दूँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ठीक है, तो एक आपको बहुत अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप मिलने वाला है, और काफ़ी हारमोनियस एंड बैलेंस रिलेशनशिप इस पर्सन से मिलेगा, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ओके, और समझदार होंगे, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो तो समझदार होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लाकर रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, समझदारी होगी, क्योंकि वैसे भी आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पर्सन का जोडियक साइन लिब्रा, सैजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसिस, कैंसर, वर्गो हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लक है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, मतलब तो जिसके लाइफ में जाते हैं हीलिंग लेकर आते हैं और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन मेहनती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा मेहनत करके भी ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें पा लेते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद जो है यूनिवर्स से मिला है, क्योंकि इनका नेचर ही इतना अच्छा एंड सॉफ्ट है, ठीक है। ये पर्सन कोई बड़े पोजीशन पे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, एंड कोई बहुत अच्छे पोजीशन पे होंगे, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। लोग और इनके फैमिली मेम्बर अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा इन पर प्राउड फील करते होंगे, इनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस समाज में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये पर्सन इंस्पेक्टर नेवी आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, एयरफोर्स के भी हो सकते हैं ये पर्सन। देन टॉरस इनका जोडियक साइन हो सकता है, नेचर इनको काफ़ी ज़्यादा
पसंद होगा, ये पर्सन ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे, ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होंगे, रिलीजियस तो होंगे, मतलब कि रिलीजन से तो होंगे, किसी ना किसी रिलीजन में तो पैदा लिए होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा रिलीजन को ना फॉलो करके ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटी को फॉलो करते होंगे, लोगों की मदद करते होंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है वाओ, ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, मतलब आपके साथ इस पर्सन का बातचीत बहुत ज़्यादा रहेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, ये फ़न लविंग है, मतलब बहुत ज़्यादा खेल कूद करना भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अकेले बैठना, बीचेस, समुद्र के पास बैठना, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, रोमांस आप दोनों के बीच में बहुत होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके साथ बहुत प्राउडली रहेंगे, मतलब इनको आप पे गर्व रहेगा कि आपने बहुत कुछ किया है, मतलब आपके लुक्स से भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन क्या रहेंगे, अट्रैक्टेड रहेंगे, ओके। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई के अलावा, जॉब के अलावा इनका ज़रूर होगा, हॉबीज़ वगैरह, या तो क्रिकेट वगैरह हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह हो सकता है, ठीक है, और या फिर स्केचिंग वगैरह इनका हो सकता है, ड्राइंग वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ओके। सो ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएंगे तो क्या कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, हेल्थ, अगर आपका हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो हेल्थ में सुधार होगा, ये पर्सन आपके डॉक्टर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपके लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे जो है चीज़ों में चेंजेस होगा, ये पर्सन आपको जॉब, सॉरी, ये पर्सन आपको किसी जिम, योगा प्लेस पे मिल सकते हैं, ये पर्सन योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन से आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो एक लाइफस्टाइल में चेंज होगा, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे। देखिए यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी आपके लाइफ में लोग आए थे, ठीक है, बहुत सारे लोग आए थे और लोगों ने आपको हर्ट किया, ठीक है, दुख दिया, आपकी फीलिंग्स को पूरी तरह हर्ट किया है, ठीक है। तो जो भी आपके पास्ट की चीज़ें होंगी वो आप इस पर्सन से डिस्कस करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हो, और ये पर्सन आपको सिखाएंगे कि कैसे लोगों से मूव ऑन करना चाहिए और अपने लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, ओके। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है, बहुत सारे जो वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप लोग जो ना, आप लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा या आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा मत सोचिए, आप लोगों का डेफिनेटली लाइफ में बहुत वंडरफुल चेंजेस आने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग गिव अप ना करें। देन यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों का हेल्थ बिल्कुल अच्छा नहीं है, कुछ लोगों का भी ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कीजिए, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए, थोड़ा बाहर निकलिए, ऐसा लग रहा है कि घर में बैठे हुए हो बहुत दिन से, तो बाहर निकलिए, पार्क वगैरह जाइए, किसी नेचुरल प्लेस या कहीं ट्रैवल कीजिए नेचुरल प्लेस पे, या फिर एनिमल्स के साथ थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए, इस तरह की एनर्जी आ रही है। अगर अगल बगल बहुत अच्छे प्लेसेस पे आप रहते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ऐसी ही हीलिंग हो जाएगी सोल की। आप थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है, बाहर के लोगों से मिलिए, पार्क जाइए, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ओके। देन कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे वही आपके ये पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो नए पर्सन ही होंगे, तो उनसे रियूनियन होते हुए दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये पर्सन क्या चेंजेस आपके लाइफ में लेकर आएंगे, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, ठीक है, ये ट्रैवलर भी हो सकते हैं और एक ब्लॉगर यूट्यूबर भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ट्रैवलिंग के वक्त आपको मिल सकते हैं और इस पर्सन के साथ आप ट्रैवल करोगे, इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में पर्सनल रिचनेस होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका सुधरेगा, ठीक है, आप बहुत रिच हो जाओगे। और देखते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, विजडम लेकर आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको बहुत सारे एडवाइसेस देंगे, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे चल के कोई भी गलती ना कर सको। तो मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे तो आप कभी कोई गलती ही नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जो दूसरा पर्सन होता है वो अच्छे से समझ पाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कौन सा स्टेप लेना सही होगा, कौन सा नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके डिफ़िकल्टीज टाइम में हमेशा साथ रहेंगे, हो सकता है कि अगर आपका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। सोसाइटी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इस पर्सन से आप ना किसी ओकेज़न में अपने सोसाइटी में मिल सकते हो, जहाँ आप रहते हो घर के अगल बगल ही मिल सकते हो, फिर किसी ओकेज़न में
कोई ओकेजन आने वाला है, ठीक है, या किसी पूजा पाठ में कुछ भी, या किसी की बर्थडे पार्टी में आप मिल सकते हो उस पर्सन से, ठीक है, कहाँ मिलोगे वो भी मैं देख लूँगी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो हार्ड वर्क है, जो आपने हार्ड वर्क किया है, इस पर्सन के आने की वजह से, इनके गुड लक के वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आएगा, और जो भी आपका रास्ता रुका पड़ा था और जो भी हार्ड वर्क किया आपने, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये पर्सन आपके डॉक्टर हो सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एक लास्ट कार्ड लेंगे, वो है ये पर्सन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है, जब आपके लाइफ में आएंगे फर्स्ट टाइम, तो ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम ही देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे, लट्टू हो जाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। और ये आपको इंप्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मतलब ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, ऑलराइट, और क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट वन, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको जो भी कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पुराना रिलेशन था ख़त्म हो सकता है वो रिलेशन, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आएंगे, ऐसा एनर्जी है। ओके, यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई नए पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल लव और आपके जो पुराने रिश्ते हैं वो ख़त्म होंगे, मैरिज, ये पर्सन जो होंगे आपसे शादी करने की कोशिश करेंगे, आपको जो है, आपको लेकर इतने सीरियस होंगे, ये पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये सारे कार्ड्स तो, इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेंगे, सफल करके ही लेंगे। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी केयरफुल, डोंट टेक रिस्क। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे, तो इनको जो है आप अच्छे से धीरे धीरे टाइम देकर जो है समझना, उसके बाद शादी करना, ठीक है। कोई भी लाइफ में डिसीजन जो है आपको हड़बड़ा कर नहीं लेना है, पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ लेना है। वैसे ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं स्पिरिचुअल, मुझे खुद ही दिखाई दे रहा है ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा आपको समझाएंगे कि अपने लाइफ में जो है कोई भी स्टेप लेना है तो अच्छे से लेना है, कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना। तो ये पर्सन जो है ना बहुत समझदार है, और आपको भी समझदार बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कार्ड भी आ चुका है गुड लक। ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गुड लक साबित होने वाले हैं। गुड लक का कार्ड है, मतलब कि कुछ बहुत अच्छा आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ओके, एप्पल है। ओके, सो यहाँ पे जो एप्पल का कार्ड है, उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जो है, आपकी जो इच्छा है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी जो है बाहर का खाना खा लेते हो और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हो, अपने चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जो है अपने कुछ चीज़ों पर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपकी पर्सन जो है आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोटेक्ट करेंगे बुरे लोगों से, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिजनेस में कुछ लोग जो हैं आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आपके पोजीशन छीनने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपके पर्सन जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आया है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं कि आपके कोई अगेंस्ट काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है ये सारी चीज़ें से अवेयर आपको कौन करवाएगा, आपके पर्सन। देन यहाँ पे है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। डोंट वरी, आपके लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे अच्छी बात है कि आपका गुड लक आपके साथ है, तो सब कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आपके लाइफ में ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। देन ये पर्सन आपको शादी के लिए भी प्रपोज करेंगे। ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल लव है, ठीक है। चाहे तो इस पर्सन का आप टेस्ट भी ले सकते हो कुछ दिन इंतज़ार करके, वेट करा के, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पर्सन आपके सच में बहुत अच्छे वेल विशर हैं, सपोर्टर हैं। ये पर्सन आपका बहुत अच्छा चाहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, वेल्थ आपकी तरफ, वेल्थ आ रहा है, ठीक है। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वेल्थ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी एवं अबंडेंस आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे देन कार्ड है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। मुझे ऐसा लग ही रहा था कि आपको जो है कोई बहुत बड़ा पोजीशन मिलने वाला है, जॉब मिल सकता है इस पर्सन के आने की वजह से, या फिर ये पर्सन खुद एक बहुत बड़े पोजीशन पे होंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है अ मैरिज विल टेक प्लेस। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी डेफिनेटली होगी, यहाँ भी मैरिज एंड यहाँ भी आपका मैरिज है, मतलब आपकी शादी जो है काफ़ी जल्दी होने वाली है। ओके, ऑल राइट, सो एक लास्ट कार्ड यहाँ पे है, वो ले लेती हूँ। यहाँ पे है हर्ट एक ओवर व्हाट यू नो। ओके,
तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में दुख दर्द थे वो सारे दुख दर्द ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, जिस जिसने आपको दुख दिया वो आपको देखेगा कि आज जो है आप कितने खुश हो इस नए पर्सन के साथ। और कुछ लोगों के लिए ये पुराना रिश्ता जो है ख़त्म होकर एक नए पर्सन आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं, जिसकी रीडिंग मैंने यहाँ पर भी की। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ इन गॉड्स के थ्रू। अर्थ कनेक्शन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल करोगे। ठीक है, इस पर्सन के साथ घूमोगे फिरोगे, और ऐसा आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है कि आप थोड़ा सा कांटेक्ट में आइए नेचर के। ठीक है, ओके, मास्टर जीसस का कार्ड है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है जब आप कहीं बाहर निकलोगे पार्क वगैरह, तो हो सकता है कि उस वक्त आप इस पर्सन से मिल सकते हो। दूसरी बात यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे कि मास्टर जीसस का कार्ड आया है, तो उससे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे जेलसी, आप हो सकता है किसी से जेलस फील कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया है उससे आप बदला लेने का सोच रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि माफ़ कीजिए सारे लोगों को, अगर जिस दिन माफ़ करोगे उस दिन आपके लाइफ में ये पर्सन इंटर कर जाएंगे और नई नई चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। ठीक है, आपके लाइफ में जो है लाइट इंटर कर रहा है, ब्राइट लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, हीलिंग जो है आपके लाइफ में आ रही है। ओके, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो ऐसा गाइडेंस है कि जितने भी पुराने चीज़ें हैं, बैड एक्सपीरियंसेस को भूल जाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, वाओ, इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड आया है। आपके लाइफ में आपकी पर्सनल रिचनेस तो हो रही है, साथ साथ आपके सारे ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो रहे हैं, अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट आपको मिल रहा है, और कनेक्शन जो है भगवान के साथ, ठीक है, वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो पर्सन आ रहे हैं वो भी तो भगवान के द्वारा ही भेजे जा रहे हैं ना, तभी तो आपका ये पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल प्यार है, स्पिरिचुअल लव है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे। ठीक है, इनका पूरा फोकस जो है वो बिल्कुल आप पर रहेगा। एंड यहाँ पे एक कार्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो वो आप कर्मा पे छोड़ दीजिए और आप अपने लाइफ को इंजॉय करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है या किसी के साथ भी कोई बुरा करता है तो वो चीज़ें उसको मिल जाएंगी। ठीक है, इसलिए उस चीज़ का आप टेंशन छोड़िए, आप अपने लाइफ को इंजॉय कीजिए। यहाँ पे जो जीजस है ऐसा कहना चाहते हैं, देन आपकी जब लाइफ में इतने अच्छे पर्सन आ रहे हैं जो आपके लिए इतने सीरियस हैं, फोकस्ड हैं आपको लेकर, तो आप उस पर ध्यान दीजिए ना, उस पर फोकस्ड कीजिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या होगा। पहले तो टी, ओके, डी, ओ, पी, सी, बी, देन यहाँ पे है ई, जी, एम, एस, ए, वाई, W, Q है, ऑल राइट, देन यहाँ पे R, X, U, H, I, J, V, ओके। सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। आपके पर्सन कहाँ के होंगे वो फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब ये पर्सन किस कंट्री के हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऑस्ट्रेलिया के हो सकते हैं, ऑलराइट, देन ये पर्सन इजिप्ट, पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे हैं, तो आपके पर्सन पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, जर्मनी, देन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आइसलैंड, इंडोनेशिया, जापान, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। ओके, सो ये सारे प्लेसेस आपके पर्सन हो सकते हैं। कुछ मैं ये भी देख लेती हूँ कि आपके पर्सन जो है कौन से स्टेट के होंगे। ठीक है, और इसमें कुछ लाइक कंट्रीज होंगे, लाइक मलेशिया, फ्रांस, फ्रांस यहाँ पहले भी आ चुका है, क्यूबा, साइप्रस, यहाँ पे है मिज़ोरम, ऑस्ट्रेलिया, छत्तीसगढ़, असम, जर्मनी, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु, ब्राज़ील, हरियाणा, इटली, देन यहाँ पे है पोलैंड, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका, सेम सिटी के हो सकते हैं आपके पर्सन, यूएसए, अरब, त्रिपुरा, नॉर्थ अमेरिका, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरला, साउथ अफ्रीका, मणिपुर, गोवा, सेम कंट्री के होंगे ये पर्सन, केरला, हंगरी, कोलंबिया, यहाँ पे है बिहार एंड बहरेन, अफगानिस्तान, नेपाल, सेम सिटी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एक लास्ट लेते हैं वो है हरियाणा एंड सेम स्टेट। तो ये सारे प्लेसेस से आपके पर्सन हो सकते हैं, कंट्रीज़ में मैंने देख लिए, नेम इनिशियल भी मैंने देख लिया। अब देखते हैं कि ये पर्सन जो है आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सो ये पर्सन आपको स्टोरी ऑफ माय लाइफ वन डायरेक्शन का सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, देन कभी खुशबू, कभी झोंका के का सॉन्ग है, जॉन इब्राहिम के मूवी का सॉन्ग है, देन है मेरी सपनों की रानी कब आएगी, तो बिब्लिकल कैलम स्कॉट का सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल है, आने से उसके आए बाहर, तुम हो मेरा प्यार हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है, देन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, देन यहाँ पे है बीते लम्हे, अगर तुम साथ हो अलका याग्निक, ढलने लगी है रात सॉन्ग, तू है कि नहीं अंकित तिवारी, एक लास्ट देखेंगे वो है जाने कैसे, रकीब मूवी का सॉन्ग है। ओके सो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं काफ़ी प्यारे हैं, अच्छे हैं, और आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। इस पर्सन से फर्स्ट टाइम आप कहाँ मिलोगे, तो है लाइक गैलरी, अदर कंट्री, जू, रेलवे स्टेशन, ऑर्फनेज। ओके मैंने जैसा बताया कि ऑर्फनेज इनका खुद का भी हो सकता है, ठीक है, स्कूल, फैमिली, ये पर्सन टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, मॉल, पार्क, क्लासेस, कैफ़े कॉफ़ी डे, टेम्पल, किसी होली प्लेस पे मिल सकते हो, चाहे टेम्पल हो, चर्च हो, ठीक है, चाहे मस्जिद हो, फ्रेंड्स, अनएक्सपेक्टेडली, एयरपोर्ट। ओके देन यहाँ पे है पुलिस स्टेशन, ऑफिस, कैफे, पब, वर्क प्लेस एंड एक लास्ट देखेंगे वो है ओके होम, होटल, मार्केट। ओके सो ये सारे प्लेसेस जहाँ पे आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिल सकते हो। ऑलराइट ये पर्सन जो है लुक वाइज कैसे होंगे ये भी देख लेते हैं हम। ओके फिट होगी ये पर्सन, ऑलराइट, टॉल नोज, प्रिटी, ब्यूटीफुल बिग आईज, मार्वलस, लॉन्ग हेयर, अट्रैक्टिव, ब्रेव, फेमस होंगे, ओके, डिसिप्लिन्ड होंगे, क्यूटेस्ट, टैन, शॉर्ट हेयर, स्ट्रेट नोज, स्मॉल नोज, शॉर्ट हेयर, देन यहाँ पे है मोस्ट ब्यूटीफुल होंगे, दैट्स ग्रेट, देन यहाँ पे है काइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउटस्पोकन, सरप्राइजिंग, सरप्राइजेस बहुत सारे मिलेंगे आपको, एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, एंड यहाँ पे है थिन लिप्स, प्रोटेक्टिव होंगे ये पर्सन, इनकम्पेरेबल, नेचर लवर, शॉर्ट हेयर, पिंपली पिंपल्स हो सकते हैं चेहरे पे, स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर हो सकता है, ग्लोरियस, एक लास्ट देखेंगे वो है कुछ लोगों के लिए डार्क। ओके सो ये सारे मैसेजेस हैं आपके पर्सन के लिए जो आपके लव लाइफ में इंटर करने वाले हैं। ओके सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है, और रिक्वेस्ट को ज़रूर मानिए, एंड कमेंट्स में आप लोग जो भी चाहे कमेंट लिखकर बता सकते हो कि आपको वीडियोस कैसा लगता है और आपको कौन से टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आप बता सकते हो, ठीक है।
सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।